जब हमें भी मिलता है रिकग्निशन और अवार्ड हमें भी बहुत अच्छा लगता है. एंड आई ऑलवेज से दैट आई थिंक ऐसे अवार्ड्स जब भी आपके अचीवमेंट्स के लिए अवार्ड्स मिलता है तो इसका मतलब है कि एक रिकग्निशन होता है, जो भी आपने काम किया है लाइफ में सम सॉर्ट ऑफ ग्रैटिफिकेशन. एंड आई एम रियली हैप्पी एंड आई विश ऑल द अचीवर्स टुडे ऑल द वेरी बेस्ट एंड कंग्रेचुलेशन. माई फर्स्ट वहाँ पर याद नहीं है, लेकिन आई थिंक स्कूल में होगा शायद एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन के लिए. जाने वाले हर एक व्यक्ति के चेहरे पे खुशी बहुत अच्छा लगा देख करके. जैसे कि एक महीने पहले ही लास्ट अवार्ड हमारा हुआ था, तभी भी बहुत खुशी हुई थी. अभी भी बहुत खुशी हुई कि हमारा अवार्ड जिसके हाथ में है उसके फेस पे बहुत अच्छी स्माइल थी. हाँ नो डाउट, हमेशा मतलब स्टैंड रहते हैं मेरे लिए और मतलब हर तरीके की हेल्प जैसे भी चाहिए होती है और आगे करने के लिए मुझे हमेशा रेडी रहते, इसलिए मेरे पीछे नहीं कहा था अवार्ड. किस तरह से आपने फाइनलाइज किया कि ये लोग को ही अवार्ड हमें देना है? बिल्कुल. सो हमारी कैटेगरी थी विमेंस की, मेन एंटरप्रेन्योर्स की, डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी जैसे बिल्डर्स हो गए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होगी, सर्विस सेक्टर होगी, डांस कोरियोग्राफर्स हो गए, मेकअप आर्टिस्ट हो गए, एवरी स्मॉल पर्सन. तो मेन मोटिव हमारा क्या है कि एक छोटी सी जब ब्रांड होती है फर्म, तो वो इन सेलिब्रिटीज़ तक अप्रोच नहीं कर पाती एज अ ब्रांड एंडोर्समेंट और एज अ ब्रांड एम्बेसडर, जो उनके लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है एंड उनको वो सेलिब्रिटी पुश मिलना ज़रूरी है. तो हमने ये इवेंट के लिए सोचा जिसपे एक सेलिब्रिटी फेस भी इन्वॉल्व है, थोड़ी मीडिया भी इन्वॉल्व है थैंक्स टू यू ऑल, एंड एक ब्रांडिंग हो जाता है इवेंट में, प्लस हम सबको फेलिसिटेट करते तो एक नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है क्योंकि 50-60 बिजनेसमैन जो है एक साथ आते हैं एक एरिया के, विच इज़ अ बिग थिंग. तो अलग अलग सेक्टर से हमने एक 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 नॉमिनेशन किया, एक टू मंथ प्रोसेस रहा है एंड वी आर वेरी थैंकफुल कि मलाइका जी आए और उनको फेलिसिटेट किए. सागा अचीवमेंट अवार्ड को किस तरह देखते हैं, कितना मायने रखता है? मेरे लिए जिंदगी का ये सबसे बड़ा अवार्ड है और मेरा छोटा भाई जो ये काम कर रहा है ना बहुत आगे जाएगा और अभी काफ़ी अवार्ड किया. जो मेरी हिंदी फिल्म आई है धागे उसमें सबसे अहम भूमिका अगर किसी की है तो मेरे छोटे भाई मनीष मोरे की. तो पहले मैं सभी मीडिया बंधु और आप पत्रकार बंधुओं का सबका धन्यवाद करता हूँ और पुणे की जनता का सबका धन्यवाद करता हूँ कि मुझे यहाँ पे मौका मिला और मनीष भाई ने मुझे बुलाया. मैं तुरंत फ्लाइट से यहाँ पे आया क्योंकि मेरा भाई बहुत आगे जाएगा, बहुत वर्क करता है, मतलब दिन रात एक करके. आपको लगता नहीं कि उम्र कम है लेकिन काम बहुत बड़े, तो अभी तो ये शुरुआत है, बहुत आगे जाएगा. मेरा आशीर्वाद है, अपने भाई के साथ हमेशा खड़ा हूँ, तन मन से मतलब खड़ा हूँ, समय धन से भी रहूँगा आगे. तो मैं बहुत अच्छा लगा जो भी किया है सब, बहुत अच्छा लगा. इसलिए मैं बोलना चाहूँगा कि इन्हें डर है और पापा के अच्छे करने का मुझे सपोर्ट मिलता है हमेशा. पापा ने हमेशा अच्छा बोला है कि भाई बेटा कुछ करो बड़ा करो. सोच हम लोग का बहुत बड़ा रहता है बच्चों के लिए, जो बोले वो हम लोग करते हुए कि अच्छा आगे विकास करें. लाइफ में हर एक दिन अचीवमेंट होता है बिकॉज एक नए ऐसा कुछ होता है जिसके साथ आपको फाइट करना होता है. लेकिन आज जो यहाँ पर एक सेलिब्रिटी के द्वारा आपको सम्मानित किया गया सागा अचीवमेंट अवार्ड से, कैसे देखते हैं आप इस अवार्ड को? जय हिंद, नमस्ते. एक्चुअली ये इंडियन सागा अवार्ड ने मुझे किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ. और सर मेरे गुरु जी है, उन्होंने मुझे मोटिवेशन स्पीच नया अलग से मेरा पैशन वाला मुझे विद्या दी और इसलिए मैं भूपेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ. और इंडियन सागा अवार्ड को इसके तरह से लोगों को प्रेरित किया जाता है समाज के लिए अच्छे काम करने के लिए और उनको मोटिवेट किया जाता है कि वो आगे बढ़े तरक्की करे, इसलिए मैं इंडियन सागा अवार्ड का बहुत बहुत उसको बधाई देती हूँ और धन्यवाद कहती हूँ. एज अपना एजुकेशन नहीं बताता, इससे ये सीख है उम्र चाहे कम हो या ज़्यादा हो. हमारे समाज में कहते हैं कि हम छोटे हैं, बड़े हो गए तो आगे जाके तरक्की करेंगे. इंसान कभी बड़ा नहीं होता, ज्ञान से ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती. वो छोटी उम्र में इतनी बड़ी तरक्की कर रहे हैं, आज इंडियन सागा अवार्ड का पूरा शो वो समझ रहे हैं. तो उनसे हमने ये सीखना चाहिए कि उम्र छोटी भी हो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो मतलब छोटी उम्र में आगे बढ़ो तो आगे जाके बहुत आगे बढ़ोगे आप. तो ये सीख सबने लेनी चाहिए. क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी है आज आपके हाथ में जो एक अचीवमेंट अवार्ड है, किस तरह से इस अचीवमेंट को लेकर और आज जो सम्मान मिला?
आई एम वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी बिकॉज आप लोग कुछ काम करते हो और उसका रिकॉग्निशन मिलता है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. टाइम टू टाइम ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू रिसीव दिस अवार्ड टुडे. थैंक यू सो मच. आप क्या कहना चाहेंगे आप इस प्रोग्राम के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया जिसके आप एज अ पार्टनर हैं, क्या कहना चाहेंगे इस तरह से इस पार्टनर को आप देखते हैं, कितनी खुशी इस बात? दो चीज़ें इसमें, एक तो यहाँ पे मुझे दोनों तरफ से खुशी, एक कि जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको फेलिसिटेट करना, उनको रिकॉग्नाइज करना और उनको इंकरेज करना बहुत ज़रूरी होता है. ये सागा अवार्ड्स के थ्रू हो रहा है. और दूसरा कि बिजनेस में बाकी की चीज़ें तो मिलती रहती है बट अगर इंस्पिरेशन मोटिवेशनल मिला और बैक पे अगर आपको है ना पैट मिली तो आपका स्पीड और भी डबल हो जाता है. सो आई रियली थैंक फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट टू सागा अवार्ड्स फॉर गिविंग अस दिस अवार्ड्स एंड गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू बी देयर मीडिया पार्टनर एंड रिकॉग्नाइज द टैलेंट ऑफ पुणे. तुम मुझे यहाँ पर आके सब अच्छा लगा एंड ऑर्गेनाइजर भी बहुत अच्छे हैं एंड मेरा शुरू से सपना था कि मैं मलाइका मैम के साथ मिलूँ तो या मेरा सपना पूरा हुआ है. तो मलाइका मैम में ऐसा क्या अच्छा लगता था, क्या देखा था आपसे मिलना था? एंड मुझे अवार्ड मिला तो मुझे मीन्स ऐसा लगा ढूंढने के लिए मेरे मैं बोलने के लिए कुछ शब्द ही नहीं है. मलाइका मैम को मैंने जब देखा तो मैं बहुत खुश हो गई. थैंक यू. मैं खुशी और क्या कहना चाहेंगे सागा अचीवमेंट अवार्ड के ऑर्गेनाइजर से? मैं ये बिजनेस अवार्ड था, मैं खुद स्पॉट बॉय था, वहाँ से मैं एडवर्टाइजर बना, बड़े पापड़ बेले इन फिल्म किया, मीडिया में नाम है बॉम्बे में, मैं होल्डिंग्स पब्लिसिटी इन फिल्म करता हूँ और हमारे सागा अवार्ड के साथियों ने बिजनेस अवार्ड मुझे दिया. तो कांग्रेचुलेशन इस अवार्ड के लिए. थैंक यू. आपको ये अवार्ड दिया गया हम जानना चाहेंगे. ये अवार्ड मुझे इमेज स्टाइलिस्ट होने पर मिला है एंड फॉर मी बीइंग एन इमेज स्टाइलिस्ट द रिक्वायरमेंट वाज पीपल आर गोइंग टू स्टेयर, मेक इट वर्थ देयर व्हाइल. एंड आई बिलीव फैशन ऐसी चीज़ है विच शुड मेक यू कम्फर्टेबल रादर देन यू बींग केश्ड. सो आई गॉट इन टू फैशन एज एन अर्ली चाइल्ड. My dad was an inspiration. He himself is the owner of Nirman Group Construction Firm and he always led us so much confidence and everything and the way we carry ourselves. So this is how I got into this field and I achieved this award. First of congratulations this award ke liye. Kya kehna chahenge award milne ke baad responsibility jo aapka bahut hota hai kitna zyada aur zyada hai kyunki aapne apne field mein kaafi achhi work ki jo ye award aaj aapke paas hai. Well, we're the first manufacturers in Pune. We do lab-grown diamonds. The only thing I like to tell you is to see why we get an award and what we do. From 17 to 20th October, we are launching the first lab-grown shop in Pune, in Connaught Place on the 5th floor. So it'll be great to see you all there. And jewelry is jewelry. I mean, there's nothing much to say about it. Diamonds keep on sparkling. Thank you. फर्स्ट तो आपका नेम जानना चाहूँगी और आज आपको ये अवार्ड क्यों दिया गया है, इसके किस अचीवमेंट के लिए दिया गया ये जानना चाहूँगी. आई एम मिसेस रुबीना अहमद एंड आई गॉट दिस अवार्ड फॉर फैशन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर बिकॉज यू नो आई बिलीव इन फैशन एंड सिंस माई कॉलेज डेज लाइक आई वॉज मॉडल इन कॉलेज. So I have done lot of fashion shows and this and that. So here today I got this award. So I think I achieved my dream. Thank you so much. So you want to add something about? Yeah, more about because we are from army background. So she used to get ample opportunities in modeling in army also. So she has got vast experience of about 15 years, I must say, because we are married for the last 25 years. And she has participated in Mission Dreams also and she was fortunate enough to get first runners up as Mrs. World. Achievement, किस achievement के लिए आपको इस award से सम्मानित किया गया, सागा achievement award में जानना चाहूँगी. मुझे award मिला है best agri tourism and best farm stay in Maharashtra. So basically I have a farmhouse where we do lot of farming. I am a women farmer and we have a location in Kamshet where we have opened a farmhouse last year. So within a year I have achieved, this is my second award what I have achieved. I have achieved best ecotourism and this is my second award best agri tourism.
farm stay. So our main concept is we serve you what we grow, and this is a family farm where we invite all the families, and for especially for kids, those who have not seen the actually the village, the farming, because the nowadays the farming is a very important part of our life, but this is actually missing in today's generation. They do not understand what is the value. So we make them understand the value of farming, and we let them stay over there and give them a very unique experience of a farm stay. मैं सबसे पहले सारा पूरी टीम का थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये जो आज हमें अवार्ड दिया है, तो ये रिकग्निशन है हमारे काम के लिए जो हम पिछले 8 साल से नारायण मित्र यूटिलिटी सर्विसेज की ओर से एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होकर पेड़ों को सेव कर रहा हूँ पूरे पूना में, और ये अवार्ड से मुझे और ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से आगे जाके मेरा काम पेड़ों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे कोकोनट के कंजर्वेशन का काम पहुँचे, और ये काम बड़ा हो और हमारे साथ ही पूरी सागा टीम भी बड़ी हो, और साथ में ही हम और मलाइका अरोड़ा जी ने जो अवार्ड दिया है तो उससे आज बहुत ही अच्छा फील हो रहा है. Hi everyone, my name is Pooja Anandani and I am the CEO and founder at ResumeMade, which is a resume writing service which we provide to professionals across the globe. Today with this award, we've been awarded the best startup of the year. So I believe ResumeMade is, you know, has been accoladed with the trophy, and it would inspire us to really help as many professionals as we can. So in the last 1 year, we've helped about 3,000 professionals, and this is just like a small little validation for it. First of all, which you get the award, how you feel, and which feel you get the award? So my name is Vanshika Anandani, and I am the CEO and founder of the Color Bucket Store. And my store is about healing crystals, interior decoration, oracle reading, and more of a spiritual kind. So in today's running world of, you know, a rat race rather, कौन का कौन सा बच्चा ज़्यादा कर रहा है, क्या हो रहा है, किसको 90% आया, किसका जॉब, किसको डॉक्टरी में यू नो हाईएस्ट मार्क्स मिले, क्या हुआ, ओ माय गॉड तुम्हारा पैकेज 5 लाख है, मेरा पैकेज 10 लाख है. आई एम नॉट दैट रैट रेस पर्सन, रादर आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन हु वांट्स टू हेल्प अदर्स हील देयर लाइफ एंड ऑल्सो मेक देयर लाइफ मोर ब्यूटिफुल, बिकॉज क्रिस्टल्स हैव द पावर दैट नो वन एल्स डज. मुझे मेरा नाम आरती रड्डा है एंड आई गॉट द अवार्ड फॉर बेस्ट आइकॉनिक एस्ट्रोलॉजर एज वेल एज स्पिरिचुअल हीलर ऑफ इंडिया, एंड आई एम वेरी ग्लैड एंड हैप्पी दैट आई हैव रिसीव्ड दिस अवार्ड. थैंक यू सो मच सागर अचीवर्स टू सी अस एंड गिव दिस अवार्ड. आई रियली थैंक देम अ लॉट. Which film you get the award? The best nail artist ka award tha ye, and the youngest one. I started 7 years ago, and I'm feeling very happy because my parents. Thank you, Zestin, for this opportunity, and thanks for all the respect and the award. नहीं देखिए मुश्किल तो बहुत होता है, और क्योंकि क्या है आपके एक टाइम लिमिट होती है, उस टाइम लिमिट में सेलिब्रिटी को भी फिक्स करना है, वेन्यू फिक्स करना है, पूरी अरेंजमेंट करनी है, सारे बॉडी से साइनअप करना है, सारी चीज़ें होती हैं, मुश्किल होता है. लेकिन मेरा टारगेट ऐसा है कि मैं हर महीने एक एक सिटी में एक एक इवेंट करूँ, मैं वहाँ पर जाऊँ भी नहीं हूँ फिर भी वो इवेंट होता रहे, ये मेरा विजन है. मोस्ट ऑफली ये लोग जो कर रहे हैं बिजनेस अचीवर्स के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं, और इनके साथ हमेशा जुड़ के रेगुलरली मैं काम करना चाहूँगी, और बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन, इवन बड़े सेलिब्रिटी के साथ में मैनेजमेंट, एक अलग सा फील आ जाता है कि बाबा हमारा भी एक स्टेटस है मार्केट में. फिर आपको जिस तरह से मलाइका जी के हाथों अवार्ड दिया गया, किस तरह आप देखते हैं कि ड्रेस को लेकर उनके फैशन को लेकर आपको जो अवार्ड दिया गया, कितनी खुशी है? काफ़ी खुशी है बिल्कुल, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा सागर के साथ सेकेंड टाइम हमारा, और फ्यूचर में एक जोश के साथ कुछ काम को काफी बढ़ाएंगे हम लोग, और प्लान चल रहा है कि काम को काफी आगे तक लेके जाने हमें. तो आप दोनों की जोड़ी हमें साथ में नजर आती है, तो वर्क को लेकर किस तरह आप साथ में चलते हैं, और आज ये दोनों लोगों को मिला है, आप क्या कहना चाहेंगे? एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है हमारी, और बिजनेस को लेके बहुत एक अच्छा तालमेल है,
तो उसको हम डेफिनेटली उसको पर्दे में उतारते हैं और उसी हिसाब से काम करते हैं। देखिए सागा अवार्ड ये हमारी कंपनी, इसके पहले भी आप लोग आए थे, मीडिया को हमने बुलाया था, सागा अवार्ड हमने किया था विवेक ओबेरॉय के साथ, पुणे में ही किया था, बेंगलोर में भी किया। तो ये इस तरह से हमारे अवार्ड शो होते रहेंगे ऑल ओवर इंडिया में और धीरे धीरे शोज आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत लंबे लंबे हमारे प्लान हैं, हमें इंडिया के बाहर भी करने की पूरी प्लान कर। इसमें क्या है, बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है जो अपनी अपनी फील्ड में काम कर, उन्हें अवार्ड देते हैं तो उन्हें एक जीत की खुशी हासिल होती है, वो ट्रॉफी वो रिवॉर्ड वो लोगों को दिखाते हैं तो लगता है कि हमने लाइफ में कुछ किया है। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ, और ये शोज हमारे इसी तरह से चलते रहेंगे और हम और आप मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा सागा अचीवमेंट अवार्ड के जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको। और मैं एक्चुअली एक एनिमल राइट एक्टिविस्ट हूँ, हम लोग स्ट्रे एनिमल के बेटरमेंट के लिए काम करते हैं। तो जो सागा अवार्ड्स के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने मेरा वर्क देख के रिकग्नाइज़ किया, मुझे अवार्ड दिया, इसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। बट अपार्ट फ्रॉम द अवार्ड मैं जस्ट आपके थ्रू एक मैसेज देना चाहूँगा जो सभी यूथ के लिए होगा कि आपको कहीं पे भी अगर कोई एक ऐसा एनिमल दिखता है जिसको जो भूखा है, कहीं इंजर्ड है या आपकी नीड है उसे, आप बिल्कुल उसे हेल्प कीजिए। अगर आप हेल्प नहीं कर सकते तो नियर बाय कोई एनजीओ को कॉल कीजिए, गूगल पे आप सर्च करेंगे नियर बाय एनिमल एनजीओ, कई सारे मिल जाएंगे आपको, तुरंत आप कॉल करके किसी को इन्फॉर्म कर सकते हैं, इस तरह से आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट इंसानों को हेल्प मिल जाती है, बट वो बेजुबान है, वो बोल नहीं सकते, वो कहीं नहीं जाएंगे कि मुझे भूख लगी है, मुझे चोट लगी है, तो हमें उनका सहारा बनना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। नरेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे आज आपको जिस तरह से सारा अवार्ड से सम्मानित किया गया, कितनी खुशी और किस लिए आपको ये अवार्ड दिया गया है, किस अचीवमेंट को देखते हुए? मैं एज ए नेचर वॉरियर काम करता हूँ एनवायरनमेंट के लिए और एनिमल्स के लिए, एनिमल रेस्क्यू वगैरह है और एंटी प्लास्टिक कैंपेन भी चलाते हैं हम लोग और जितने भी पॉन्ड्स वगैरह है उनको प्लास्टिक फ्री करते हैं। ठीक है सर। कितनी खुशी होती है जब आप किसी अच्छे कार्य को देखते हो, जब आपको एक अवार्ड देने से सम्मानित किया जाता है? बहुत अच्छा लगता है।